अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन स्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए गोटा पट्टी लैस आइडियाज़ लेकर आई हूँ। अगर आप अपने सूट पर गोटा पट्टी लैस लगवाना चाहती हैं तो आप इस वीडियो से आइडियाज़ ले सकती हैं। मैंने इस वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ ऐड किए हैं कि किस तरह आप अपने सूट पर गोटा पट्टी लैस इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप अपने नेक पर गोटा पट्टी लैस लगवाना चाहती हैं तो मैंने उसके लिए भी आइडियाज़ ऐड किए हैं। अगर आप अपने पूरे सूट पर लगवाना चाहती हैं तो मैंने उसके लिए भी आइडियाज़ ऐड किए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने कुर्ती, स्लीव एंड ट्राउज़र के तमाम आइडियाज़ ऐड किए हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। गोटी लैस लगाने से आपके सूट की लुक टोटली चेंज हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेक के डिफरेंट डिज़ाइन और आइडियाज़ मैंने ऐड किए हैं। फुल सूट के डिफरेंट डिज़ाइन और आइडियाज़ ऐड किए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तमाम ड्रेसेस आप समर में इजीली कैरी कर सकते हैं। गोटा पट्टी लैस प्लेन सूट पर ज़्यादा अच्छी लुक देती है। इस वीडियो में मैंने प्लाजो के भी डिफरेंट डिज़ाइन और आइडियाज़ ऐड किए हैं कि किस तरह आप अपनी गोटा लैस को प्लाजो पर कैरी कर सकते हैं। ये अम्ब्रेला फ्रॉक पर बहुत ही अच्छी लुक देती है। इस तरह के ड्रेसेस को पार्टी पर इजीली कैरी कर सकते हैं और ये आपको डिफरेंट लुक देगा। समर में आप किसी भी फंक्शन पर इन ड्रेसेस को इजीली कैरी कर सकते हैं। आप गोटी लैस को अपने पूरे ड्रेस पर भी लगवा सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे तमाम ड्रेस आइडियाज़ कैसे लगे। मैंने तमाम सिंपल एंड डिसेंट कलर ऐड किए हैं और डिसेंट स्टाइल्स ऐड किए हैं। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।